हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फोर्थ सेमेस्टर डिप्लोमा इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर, जो कि फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिनका एग्जाम आने वाले मंथ में है उनके लिए पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो भी स्टूडेंट फोर्थ सेमेस्टर से सीएससी ब्रांच से है। आज का पेपर है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं, 3 घंटे का पेपर है और यहाँ पर आपका इंस्ट्रक्शन दिया गया है जो कि आप लोग पढ़ लीजिएगा और हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, जो कि 5 फिल्ड ब्लैंक्स आपको दिया गया है। यहाँ पर आप लोग नोट करते हुए जाइए, मैं इसको रीड नहीं करूँगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पेपर अभी भी अपलोड करने बाकी है जो कि स्टूडेंट बोल रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग नोट करते जाइए क्या क्या यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर सी फिल्ड ब्लैंक्स आ गया है, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग ऑपरेटर ऑफ एन एक्सप्रेशन आफ्टर देयर ऑपरेंड इज कॉल्ड। तो जो स्टूडेंट पढ़े हैं सही से उनको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा और जो नहीं पढ़े वो जरूर रिवाइज कर ले ताकि एग्जाम में उनका भी मार्क्स आ जाए। लिंक लिस्ट इन ए कलेक्शन ऑफ डाटा एलिमेंट कॉल्ड नोट्स ईच पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट नोट। तो यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे और साथ ही साथ लॉन्ग क्वेश्चन भी पढ़ेंगे जो कि आपका वीडियो में आएगा। तो वो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो क्वेश्चन आंसर 15 मार्क्स का आपका एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पर अब देखिए डी दिया गया, डी के बाद ई है, टी इज कॉल्ड डैश डेटा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर फिर इंदमस खत्म हो जाता है, आप लोग फिर इंदमस को स्टॉप करके इसी शॉर्ट लेके देख सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं। उसके बाद ट्रू फॉल्स दिया गया है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट है द टर्म पुशअप और पॉप इज रिलेटेड टू क्यू। तो यहाँ पर आप लोग स्टेटमेंट को पढ़िए और बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। जो भी स्टूडेंट आंसर कमेंट में दे देगा उसका क्वेश्चन उसका आंसर हम पिन कर देंगे और बाकी स्टूडेंट उससे पढ़ सकते हैं। चलिए बी यहाँ पर दिया गया, इनवैलिडेट रिसर्च टी द इन ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ ट्री विल बी एल्ड ए सॉर्टेड लिस्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ ट्री। तो ये बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। सी है एरे डेटा स्ट्रक्चर स्टोर ऑन नॉन होमोजीनियस डेटा एलिमेंट। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है ये आपको बताना है। डी है बाइनरी रिसर्च एल्गोरिदम वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिवाइड एंड कॉन्क्योर। तो ये ट्रू है या फॉल्स है ये आपको बताना है। ई है डेटा स्ट्रक्चर वेयर एलिमेंट कैन बी एडेड और रिमूव एट ईदर एंड बट नॉट इन द मिडिल इज कॉल्ड डी क्यू। तो ये आपका ट्रू है या फॉल्स है कि आपको बताना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका डिफाइन द फॉलोइंग टर्म है, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो पहला डिफाइन द फॉलोइंग टर्म में आपका आ जाता है रिकर्सन, रिकर्सन को आपको डिफाइन करना है। फिर आता है हीपीफाई है आपका बी नंबर में और सी नंबर में आपका है सर्कल क्यूई, सर्कुलर क्यूई है। डी में है मेलॉक और ई में है वेटेड ग्राफ दिया गया है। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। 1 मार्क्स का आपका यहाँ पर क्वेश्चन है, यानी कि ये टिक द करेक्ट आंसर, यानी कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर इज ए नॉन लीनियर टाइप। तो ये आपको बताना कौन सा नॉन लीनियर टाइप है। बी में है स्टैक फॉलोज द डेटा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज। तो ये आपको बताना ये कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो ये पेपर को आप जरूर से जरूर करके जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग केस डज नॉट एग्जिस्ट इन कॉम्प्लेक्सिविटी थ्योरी। तो ये आपका ऑप्शन दिया गया है, इससे आप यहाँ से कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पर डी है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी स्ट्रक्चर बाइनरी सर्च एल्गोरिदम इज। तो ये आपको बताना है। ई में आपका है इफ एलिमेंट ए बी सी एंड डी आर प्लेस्ड इन अ स्टैक एंड दे आर एंड आर डिलीटेड वन एट टाइम द ऑर्डर दे विल रिमूव इज। तो वो कैसे रिमूव होगा वो आपको बताना है। ए बी सी डी करके रिमूव होगा, डी सी बी, ये आपको यहाँ पर बता देना है, ठीक है। इन ए डायरेक्टेड ट्री एनी नोड विच हैज़ आउट डिग्री 0 इज कॉल्ड। तो ये क्या होगा ये आपको बताना है। जी है उसी टाइप का, वो जी दिया गया है जिसमें द मैट्रिक हैज़ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट नॉट ऑल एट 0 इज कॉल्ड। वो मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, तो ये आपको बताना है। अब हम लोग चलते हैं एच पे। मर्ज सॉर्ट इज यूज द प्रिंसिपल ऑफ, मर्ज सॉर्ट कौन सा प्रिंसिपल को यूज़ करता है ये बताना है। डायरेक्टेड ट्री इन विच आउट डिग्री ऑफ ईच नोड इज लेस देन और इक्वल टू टू इज कॉल्ड। ये आपको बताना है क्या होगा, या बाइनरी ट्री होगा या फिर क्या होगा। जे में कनेक्टेड ग्राफ टी विदाउट एनी सर्कल इज कॉल्ड। तो जे आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 10 MCQ हो गया। अब MCQ का आइडिया आपको हो गया, अगर MCQ आए आपके क्वेश्चन पेपर में तो आप लोग इजीली वहाँ से कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं पार्ट बी। पार्ट बी आपका यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। तो पहला क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए, डिफ्रेंशिएट बिटवीन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है, यानी बताना है क्या है दोनों में डिफरेंस। बी है एक्सप्लेन द टाइम कम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी ऑफ ए एल्गोरिदम। ये आपको बताना है। तो पार्ट ए पार्ट बी मिलाकर आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉरी, और एक पार्ट है यहाँ पर सी है, द सम फीचर ऑफ एल्गोरिदम, राइट सम फीचर ऑफ एल्गोरिदम। एल्गोरिदम का क्या क्या फीचर्स है वो आपको ध्यान रखना है, वो आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डू यू मीन बाय मल्टी डायमेंशनल
एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे से आप क्या समझते हैं? हाउ एरे आर रिप्रेजेंटेड इन मेमोरी, मेमोरी में एरे को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये आपको बताना है। व्हाट इज स्ट्रिंग? राइट ए फंक्शन फॉर कॉन्सेटेंटिंग टू स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग वन, स्ट्रिंग टू, टू गेट ए न्यू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग थ्री। फिर आपका है क्वेश्चन नंबर सेवन का ए। क्वेश्चन नंबर सेवन है, राइट सम डिफरेंस बिटवीन लिंक लिस्ट एंड एरे। लिंक लिस्ट एंड एरे के बिटवीन आपको डिफरेंस बताना है क्या है। डिफाइन बी डिफाइन लिंक लिस्ट। राइट ए फंक्शन टू इंसर्ट ए नोड एट द बिगिनिंग ऑफ द लिंक लिस्ट। ये आपका पार्ट ए और पार्ट बी है सेवन का। क्वेश्चन नंबर एट देखिए, डिफाइन मर्जिंग एंड मर्ज सॉर्ट। मर्जिंग एंड मर्ज सॉर्ट आपको डिफाइन करना है इसको। और बी है, राइट द फंक्शन फॉर पुश ऑपरेशन ऑफ स्टैक। बताना है फंक्शन किसका? पुश ऑपरेशन स्टैक का, ठीक है, पुश ऑपरेशन ऑफ स्टैक। क्वेश्चन नंबर नाइन पे चलते हैं। नाइन का पार्ट ए है, व्हाट इज बाइनरी ट्री? बाइनरी ट्री क्या है ये आपको बताना है। राइट सम प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ट्री, उसका प्रॉपर्टीज क्या है ये बताना है। बी है, व्हाट आर द डिफरेंट वे ऑफ ट्रेवर्सिंग ए बाइनरी ट्री? ट्रेवर्सिंग बाइनरी ट्री का डिफरेंट वेज है वो आपको बताना है, क्या क्या वेज है, डिफरेंट वेज। फंक्शन बताना है, राइट द फंक्शन ऑफ प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ बाइनरी ट्री। फंक्शन बताना किसका? प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ बाइनरी ट्री। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन हो गया। अब यहाँ पर आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर टेन पे। टेन का ये है, एक्सप्लेन बबल सॉर्ट विथ एन एल्गोरिदम। बबल सॉर्ट के बारे में आपको बताना है विथ एल्गोरिदम के साथ में। बी में है, राइट ए फंक्शन टू इम्प्लीमेंट बाइनरी सर्च एंड कंप्यूट इज कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 11 में है, स्पैनिंग ट्री एंड एडजेंसी मैट्रिक। डिफाइन करना है इसको, स्पैनिंग ट्री और एडजेंसी मैट्रिक्स। बी है, कन्वर्ट ए माइनस बी प्लस सी एस्ट्रिक डी एफ स्क्वायर ई प्लस एफ इनफिक्स एक्स प्रेजेंट टू पोस्ट फिक्स फॉर्म। पोस्ट फिक्स फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ एनी थ्री। अब शॉर्ट नोट दिया गया है एनी थ्री पर, लेकिन आपको पूरा पढ़ना है और जितना भी दिया गया सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है। टावर ऑफ हैनोई, डायरेक्ट एक्सेस फाइल ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर, ट्री ट्रेवर्सल और डी